गुलाबी बॉन्ड मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जानकारी के लिए वक्त मांगने पर लगाई कड़ी फटकार। एसबीआई को सिर्फ कल तक का समय, चुनाव आयोग से 15 मार्च तक जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का थोड़ी देर में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश भर की 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए टीएमसी उम्मीदवारों के ऐलान से इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। कांग्रेस ने ममता पर उठाए सवाल, बीजेपी ने भी उठाया बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा। हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे। बीजेपी और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर दोनों पार्टियां करेंगी मंथन, दूसरी लिस्ट के नामों पर दोनों दल करेंगे चर्चा। 13 या 14 मार्च को हो सकता है बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। आज विदेश दौरे से लौट रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड